आपकी दुकान में हो सकती है लाखों की सेल। अभी जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, यह वो एक चीज है जो आपकी दुकान में ग्राहकों की बाढ़ लेकर आ सकती है। अगर आपकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती तो इस एक चीज के प्रभाव से आपकी दुकान इतनी चलेगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या है यह चीज और किस प्रकार से अपनी दुकान में इसको रखना है और उसके कितने दिन के अंदर अंदर आपकी दुकान चलना शुरू हो जाएगी, अब मैं आपको बताने वाला हूं। प्यारे बंधुजनों, यह जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, इस चीज का ज्योतिष में बहुत महत्व बताया गया है और इसका एक एक प्रयोग बड़ा असरदार होता है। अगर आपकी दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते, आप सारा दिन दुकान पर बिना काम के फ्री बैठे रहते हो, दुकान में पैसा भी बहुत लगा रखा है, फिर भी ग्राहक दुकान में नहीं चढ़ता, तो बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसको करने के बाद आपकी दुकान में ग्राहक जरूर आएंगे, ये मेरा विश्वास है और माता रानी मेहर करेगी, माता रानी कृपा करेगी, आपकी बंद पड़ी हुई दुकानदारियां शीघ्र अतिशीघ्र चलने लग जाएंगी। प्यारे बंधुजनों, सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य कभी खाली नहीं जाता। अगर हम सच्चे मन से भगवान से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस प्रार्थना को जरूर सुनते हैं और हमारी जो भी मनोकामना होती है उसे पूर्ण करते हैं। आज मैं आपको इस दिव्य सामग्री के बारे में बताने वाला हूं और यह एक दिव्य सामग्री भर भर कर आपकी दुकान पर ग्राहक लेकर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये एपिसोड और एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, यहां तक कि आउट ऑफ इंडिया जो फोरन में हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके भी हमें कमेंट आते हैं, मेल आते हैं कि गुरुजी हमारा स्टोर है लेकिन क्या करें, स्टोर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। और आपको बताने में हमें बेहद खुशी हो रही है कि जो उपाय हम उन्हें बताते हैं माता रानी की कृपा से वो उनके बहुत काम आते हैं और उनके बंद पड़े हुए कामकाज फिर से चलने लग जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके भी कामकाज में कोई बाधा है तो निश्चित होकर इस उपाय को आप करिए, आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। तो चलिए देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सर्व मंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नीति शास्त्री प्रस्तुत हुआ हूं आप सभी भक्तों के सामने आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ। प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं इस दिव्य सामग्री के बारे में। यह दिव्य सामग्री आपकी बंद पड़ी हुई दुकान को चुटकियों में खोल सकती है।
चाहे आपकी दुकान पर किसी ने कोई टोटका करवा दिया है या कोई तंत्र मंत्र करवा दिया है या दुकान के कार्य को किसी ने बंधवा दिया है, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करेंगे तो आपकी सर्व मनोकामनाएं तुरंत प्रभाव से पूर्ण होंगी। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको इस दिव्य सामग्री का नाम बताता हूं। तो इस दिव्य सामग्री का नाम है फिटकरी। यह फिटकरी आप अपनी दुकान में रखिएगा और देखिए आपकी बंद पड़ी हुई दुकानदारी कितनी अच्छी चलने लगती है। इसे रखने का भी नियम है, वो भी आप समझें, क्योंकि यो नहीं कि आपने ऐसे ही रखी और आपकी दुकान चलने लगी। नहीं, इसको आपने कैसे रखना है, किस दिन रखना है और कहां पर रखना है, वह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है प्यारे बंधुजनों। क्योंकि जब भी हम कोई उपाय करते हैं वो उपाय तभी हमें रिजल्ट देता है अगर हमने उसको समझकर और सही विधि से किया है। तो पूरा एपिसोड आपने ध्यान से सुनना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी भक्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार ज्योतिष मिराकल चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा दें, क्योंकि जैसी जानकारी यहां ऐसी जानकारी और कहां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बंधुजनों। इस फिटकरी को आपने सोमवार के दिन अपनी दुकान में रखना है। कहां कैसे अब आप जानिएगा मेरे प्यारे बंधुजनों। यह जो फिटकरी है इसका एक स्वभाव है, इसके अंदर एक गुण पाया जाता है, वो है तामसिकता को दूर करने का। अर्थात अगर कहीं पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और वहां पर हम इसे रखते हैं तो ये सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर समाहित करने लगती है और जहां पर ये होती है वहां के जो वातावरण है उसको पॉजिटिविटी से भर देती है और हर प्रकार की बुरी शक्तियों को खत्म करने की जो ताकत है वो इस फिटकरी के अंदर है। प्यारे बंधुजनों इस फिटकरी को सोमवार के दिन आपने अपनी दुकान में रखना है। आपने कांच की कोई प्लेट लेनी है, कांच की कोई कटोरी भी ले सकते हैं, उसके अंदर इस फिटकरी को आपने रखना है। इस तरह से एक डली आप ले लीजिएगा, साबुत डली होनी चाहिए, अलग अलग पीस नहीं होना चाहिए। इस तरह की साबुत डली लेकर आपने कांच की कोई कटोरी या कांच की कोई प्लेट उसके अंदर इसे रखना है और दुकान की जो दक्षिण की दिशा है वहां पर आपने इसको रखना है। ध्यान से समझ लें, कांच की कटोरी में दुकान की जो दक्षिण दिशा है वहां पर आपने इस फिटकरी को रखना है और इसके आसपास लाल रंग का बल्ब आप जला दें जो 24 घंटे जलते रहना चाहिए। अगर बल्ब की व्यवस्था नहीं है तो इसके पास लाल रंग का कोई रुमाल भी आप रख सकते हैं। प्यारे बंधुजनों लाल रंग की एक खासियत होती है कि उसके अंदर भी नेगेटिविटी को सोखने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है और जहां पर लाल रंग और ये फिटकरी दोनों पास पास में मौजूद होंगे वहां पर चाहकर भी कोई बुरी शक्ति अपना असर नहीं डाल सकती। और अगर आप इसे अपनी दुकान में रखते हैं तो मात्र एक सप्ताह के भीतर भीतर से आपको इसके परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। प्यारे बंधुजनों एक बार सच्चे मन से इस उपाय को आप कर लीजिए, माता रानी की कृपा से आपके जो मनोरथ है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। प्यारे बंधुजनों आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय माता की।